हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गाइस, म्यूजिक सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन म्यूजिक लवर के लिए कौन फोटो एडिटिंग करता है यार। मैंने जाकर के यूट्यूब पर देखा, इसी टॉपिक को बहुत ही कम ही वीडियो है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको म्यूजिक लवर कांसेप्ट की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, उसके साथ साथ आपको रिमलाइट क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। आपको अगर रिमलाइट क्रिएट करना नहीं आता हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एडिटिंग को और ज्यादा हाई लेवल देने के लिए। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बनाना, एंड गाइस ऐसे ही न्यू ट्यूटोरियल आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो विदाउट एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को डाउनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस, आपको ये बैकग्राउंड को गैलरी से शेयर कर देना पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो इस तरह से शेयर कर लेना, और गाइस आपको पिक्सार्ट ऐप को सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारी पिक ओपन हो चुकी है। अब गाइस, आपको कहना है ड्रॉ टूल पर चलना है। तो गाइस, आपको राइट इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से स्वाइप करें। एंड गाइस, आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ड्रॉ को सिलेक्ट करके आपको कहना है, यहाँ पर ड्रॉ को सिलेक्ट करके आपको ड्रॉ टूल पर ओपन हो जाना है। तो यहाँ पर आपको कहना है अपने पिक को यहाँ पर आर्ट देना है। तो यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटो लेयर को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन मिलेगा, यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फोटो लेयर को सिलेक्ट करके अपनी पिक को यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस, मॉडल की जो बैकग्राउंड को मैं पहले से इरेज कर दिया हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए। अगर गाइस आपको बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं आता, तो इसी टॉपिक को पहले से वीडियो में रहता है, सिंपल जाकर के वो वीडियो को देख लेना है। तो इस तरह से आपको ऐड करके आपको परफेक्टली तरीके से आपको इस तरह से फिट कर लेना है। अगर आप अपनी जो पिक यहाँ पर फिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर फिट कर सकते हो। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको एक ट्रांसफर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिट कर देना है। अब गाइस, आपको क्या करना है, रिम लाइट के लिए एक कलर लेयर को बना देना है। तो यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके मॉडल की एक कॉपी ले देना है। यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके कॉपी बनाना है। एंड गाइस, आपको दो इम्पेलर बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले से एक इम्पेलर है, तो आपको क्या है और एक आर्क लाइन। तो आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इम्पेलर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर और एक इम्पेलर ऐड हो चुकी है। अब गाइस, आपको दो इम्पेलर को दोनों मॉडल के नीचे यहाँ पर रखना है, यहाँ पर वो बीच में रखना है इस तरह से। और यहाँ पर और एक इम्पेलर को यहाँ पर पकड़ता हूँ, और यहाँ पर आपको इस तरह से आपको दोनों मॉडल के बीच में इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। बहुत यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब गाइस, आपको कहना है यहाँ पर आपको जो दो इम्पेलर पर आपको कलर फिल करना है। तो कैसे करना है, आपको पहले वाला इम्पेलर पर आपको व्हाइट कलर फिल करना है। तो यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर व्हाइट कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करके वो डन कर देना है। एंड गाइस, आपको सेकंड में आपको पकड़ना है, और गाइस आपको कहना है यहाँ पर आपको ब्लू कलर को फिल करना है। यहाँ पर आपको कलर्स पर फिर से आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको ब्लू कलर को इस तरह से आपको स्वाइप करना है। एंड गाइस, आपको स्वाइप करके इस तरह से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है इस तरह से। एंड गाइस, आपको यहाँ पर डन कर देना है। बहुत ही यहाँ पर डन हो चुकी है। अब गाइस, आपको कहना है यहाँ पर आपको मॉडल ऊपर की जो मॉडल पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको कहना है यहाँ पर आपको जो नॉर्मल मोड को आपको यहाँ पर आपको एक्स से ओ आर कर देना है। इस तरह से आपको नॉर्मल मोड को क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्स ओ आर, यहाँ पर जोर पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको कहना है यहाँ पर एक्स ओ आर हो चुकी है। अब गाइस, आपको यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज कर देना है। इस तरह से आपको मर्ज पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज कर देना है। एंड गाइस, आपको फिर से वही चीज करना है, आपको यहाँ पर नॉर्मल मोड को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नॉर्मल मोड को आपको कहना है एक्स ओ आर कर देना है इस तरह से। एंड गाइस, आपको कहना है फिर से आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको कहना है यहाँ पर आपको मर्ज कर देना है इस तरह से। अब गाइस, मर्ज हो चुकी है। अब गाइस, आपको कहना है यहाँ पर आपको मॉडल और बैकग्राउंड को यहाँ पर हाइड कर देना है। इस तरह से आपको आई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हाइड कर देना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इस तरह से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना है। एंड गाइस, आपको कहना है यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। इस तरह से डिलीट करना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर दोनों मॉडल और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को अनहाइड कर देना है। एंड गाइस, आपको कहना है यहाँ पर एक इम्पेलर बनाना है। तो यहाँ पर फिर से आपको इम्पेलर बनाना है। इम्पेलर बनाने में आपको कहना है इम्पेलर बनाने में आपको यहाँ पर ये इम्पेलर को आपको नीचे लाना है, मॉडल के नीचे इस तरह से लाना है। और गाइस, आपको कहना है यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आर्ट फोटो पर क्लिक करना है। एंड गाइस, मेरा नीचे मिलेगा आर्ट फोटो का ऑप्शन, यहाँ पर आर्ट फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको कहना है यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको क्या करना है, लव का एक पेंज मिलेगा, लव टेस्ट पेंज को यहाँ पर ऐड करना है। इस तरह से ऐड करना है। एंड गाइस, आपको कैसे हाजिर करना है, इस तरह से आपको मॉडल के पीछे इस तरह से आपको हाजिर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मॉडल के पीछे इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। अब गाइस, आपको कहना है फिर से और एक इम्पेलर बनाना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही चीज़ अप्लाई करके यहाँ पर आपको और एक इम्पेलर बनाना है। और गाइस, आपको ये इम्पेलर को भी आपको मॉडल के नीचे ही रखना है। तो इस तरह से आपको नीचे रखना है। एंड गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉब टेस्ट के नीचे भी आपको यहाँ पर लॉब टेस्ट के ऊपर रखना है और मॉडल के नीचे रखना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रख देना है। एंड गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कलर्स पर क्लिक करना है। तो ये रहा कलर्स का ऑप्शन, यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है। एंड गाइस, आपको डन पर क्लिक करके
यहां पर आपको ब्रश पर क्लिक करना है। यहां पर आपको कलर्स के नीचे आपको ब्रश का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर ब्रश को साइज को आपको कहना है, यहां पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको कहना है हार्डनेस को 0 रखना है, मेरी तरह आपको हार्डनेस को 0 करना है। एंड गाइस आपको फिर से आपको कहना है साइज को इस तरह से आपको हल्का सा प्लस करके आपको यहां पर 97 रखना है। एंड गाइस आपको ओपेसिटी को यहां पर डाउन ही रखना है, तो डाउन आपको 33 रखना है। एंड गाइस आपको सेट पर क्लिक करके इस तरह से जूम करना है, जूम करके आपको बॉडी के पीछे इस तरह से आपको हल्का सा ड्रॉ करके एक कलर लाइन बना देना है। यहां पर ब्लू कलर का एक लाइन बना देना है, बहुत ही अच्छा लगा, ओपी लगा हमारी जो एडिटिंग देखने में। तो इस तरह से आपको एक लाइन बना देना है। तो कैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से आउटलाइन बना चुकी हूँ, आपको भी इस तरह से यहाँ पर आउटलाइन बना देना है। एंड कैसे आपको कहना है यहाँ पर आपको सभी को मर्ज कर देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मर्ज पर क्लिक करके यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज कर देना है सभी को। इस तरह से मर्ज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्कार्ड कर देना है इमेज को। यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ पर डिस्कार्ड कर दे, यहाँ पर बैक चलना है। डिस्कार्ड करके आपको बैक जाने दोगे, क्या करना है यहाँ पर आर्ट फोटो चलना है। तो इस तरह से स्वाइप करना है। एंड कैसे आपको आर्ट फोटो जा करके यहाँ पर हमें जो ड्रॉ टूल पर बनाया था हमारे रिम लाइट क्रिएट करने के लिए, जो यहाँ पर आपको कलर लेयर को बनाया था उसको ऐड करना है। इस तरह से ऐड करके आपको क्या करना है, इस तरह से बड़ा कर देना है। एंड कैसे आपको बड़ा करके इस तरह से फुल स्क्रीन करना है। यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन करने आपको क्या करना है, यहाँ पर वो जो ब्लेंडिंग मोड को आपको कहना है यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको ब्लेंड पर क्लिक करना है। एंड कैसे को फिर से आपको दिखा देना हो ठीक से, यहाँ पर ब्लेंड पर क्लिक करना है। एंड कैसे आपको ब्लेंड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लास्ट मिलेगा ऐड का ऑप्शन, यहाँ ऐड कर देना है। एंड कैसे आपको कहना है यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन्वर्ट कर देना है। लास्ट में आपको इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इन्वर्ट कर देना है। एंड कैसे को रिस्टोर पर क्लिक करें, रिस्टोर की जो अमाउंट को हार्डनेस को यहाँ पर कम कर दें, आपको यहाँ पर आपको 20 से नीचे रखना है, तो यहाँ पर 90 रखता हूँ। एंड कैसे को ओपेसिटी को आपको रखना है 50 के आसपास, तो यहाँ पर मैं 48 रखता हूँ। एंड कैसे को साइज को आपको 30 के आसपास। इस तरह से आपको जूम करना है, जूम करके आपको कहना है इस तरह से हल्का हल्का सा ड्रॉ करके आपको रिम लाइट क्रिएट करना है। बहुत ही ओपी लगा आपको ये मेरे रिम लाइट क्रिएट करने बताओ, तो यहाँ पर मैं जल्दी से रिम लाइट क्रिएट कर देता हूँ। तो गाइस मेरी तरह ही आपको रिम लाइट क्रिएट करना है, तो इस तरह से आपको मेरे को फॉलो करके आपको रिम लाइट क्रिएट करना है। तो कैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से रिम लाइट क्रिएट हो चुकी है। अब कैसे आपको यहाँ पर डन कर दें। एंड कैसे आपको क्या है, राइट तरफ आपको ओपेसिटी मिलेगा, पर ओपेसिटी को हल्का से यहाँ पर कम कर दें। तो इस तरह से कम करके आपको यहाँ पर डन कर दें। तो इस तरह से डन कर दें, डन करके बैक चलें। तो कैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ओपी लग रहा है हमारे जो पिक, तो यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो रिम लाइट क्रिएट करने में हमारे जो पिक पहले से अच्छा लग रहा है। अब कैसे आपको कहना है यहाँ पर आर्ट फोटो चलना है, तो यहाँ पर आर्ट फोटो जाकर के यहाँ पर आर्ट फोटो जाकर के आपको कहना है एक ब्लैक शैडो का पीएनजी मिलेगा, उसको यहाँ पर ऐड करके आपको कहना है फुल स्क्रीन करके छोड़ देना है। इस तरह से फुल स्क्रीन करना है। एंड कैसे आपको कहना है ओपेसिटी हल्का से यहाँ पर डाउन करें, तो इस तरह से डाउन कर दें। और कैसे यहाँ पर डन कर दें, तो यहाँ पर डन करने क्या है, यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चलना है, डॉज इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चलना है, तो ये रहा ड्रॉ टूल, आपको ड्रॉ टूल पर फिर से आपको क्लिक करना है। एंड कैसे आपको ड्रॉ को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करें, तो यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर दें इस तरह से। और कैसे आपको डन करके आपको ब्रश पर क्लिक करें, तो कलर्स के नीचे आपको ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर हार्डनेस को 0 ही रखना है। और गैस आपको कहना है यहाँ पर साइज को हल्का से यहाँ पर डाउन करना है इस तरह से। और गैस वो यहाँ पर जो ओपेसिटी को भी हल्का से यहाँ पर डाउन करके आपको 20 के आसपास रखना है। एंड गैस आपको सेट पर क्लिक करके इस तरह से जूम करना है। और गैस आपको हैंड के ऊपर इस तरह से आपको हल्का सा यहाँ पर डॉज इफेक्ट को अप्लाई करना है। बहुत ही ओपी लगा हमारी जो यहाँ पर डॉज इफेक्ट अप्लाई करने बताओ, यहाँ पर आपको इस तरह से डॉज इफेक्ट को फेस के ऊपर भी इस तरह से आपको हल्का सा यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो कैसे यहाँ पर मैं डॉज इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर चुकी हूँ। अब कैसे आपको यहाँ पर इमेज को सेव कर देना है, सेव के अंदर लाइट में इंप्रूव कर देना है कलर कर्सन के लिए। तो इस तरह से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड कैसे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करें, इमेज को लेना है सेव के अंदर लाइट में इंप्रूव कर देना है कलर कर्सन के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको लाइटरूम पर अपने पिक को यहाँ पर इनपुट करके ओपन कर देना है। एंड गाइस आपको सबसे पहले आपको कहना है ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है, तो ये रहा ब्राइटनेस टूल, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर एक्सपोजर को यहाँ पर दो बार माइनस कर देना है। एंड गाइस आपको कॉन्ट्रास्ट को हल्का से यहाँ पर प्लस करना है, आपको ज्यादा नहीं, आपको यहाँ पर 11 रखना है। एंड गाइस आपको हाईलाइट्स को हल्का से यहाँ पर प्लस करना है, आपको यहाँ पर 12 रखना है। एंड गाइस शैडोज को भी हल्का सा यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर आपको रखना है 17 के आसपास, तो यहाँ पर मैं 13 रखता हूँ। एंड गाइस आपको कहना है व्हाइट्स को आपको माइनस ही रखना है, तो माइनस आपको यहाँ पर रखना है, माइनस को 24 रखना है। एंड गाइस आपको ब्लैक को माइनस ही रखना है, तो माइनस आपको रखना है यहाँ पर 8 रखना है। एंड गाइस आपको कहना है यहाँ पर कलर टूल पर क्लिक करना है, तो ये रहा कलर टूल, आपको कलर टूल पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको कलर टूल पर क्लिक करके यहाँ पर वो कहना है ऊपर की तरफ आपको एक सर्कल टूल मिलेगा, यहाँ पर सर्कल टूल पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला क्लिक सचिन को हल्का यहाँ पर हल्का से यहाँ पर प्लस कर देना है, यहाँ पर सचिन को हल्का से यहाँ पर प्लस करके आपको 13 रखना है। एंड गाइस आपको सेकंड कलर पर क्लिक करना है, लुमिनस को हल्का से यहाँ पर प्लस करना है, तो प्लस आपको 14 के आसपास यहाँ पर रखना है। एंड गाइस आपको सचिन को यहाँ पर 9 रखना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर ब्लू कलर पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको हुई को हल्का से यहाँ पर माइनस करना है, तो हुई को आपको रखना है माइनस, आपको रखना है हमको 14 के आसपास। और गाइस आपको सचिन को
इससे प्लस कर देने सच रूम आपको यहाँ पर 20 रखना है एंड कैसे यहाँ पर डन कर देने तो यहाँ पर डन करके बैग चलना है एंड कैसे को डन करके बैग चलने बताओ क्या करना है यहाँ पर आपको टेम्पलेचर को आपको माइनस कर देना तो माइनस आपको यहाँ पर 10 रखना है एंड कैसे को यहाँ पर 10 को आपको यहाँ पर माइनस ही रखना है तो माइनस आपको रखना है यहाँ पर को 6 के आसपास तो आपको क्या है वाइब्रेंस को हल्का सा प्लस कर देना है तो वाइब्रेंस को आपको 16 रखना है एंड कैसे आपको यहाँ पर इसी टू ब्रेक करना है तो यहाँ पर आपको इसी ट्यूब ब्रेक करने बताओ पहले आपको क्या है स्ट्रक्चर को यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस आपको रखना है 8 एंड कैसे आपको क्लैरिटी को हल्का सा यहाँ पर प्लस करना है तो क्लैरिटी को आपको रखना है यहाँ पर आपको 30 रखना है एंड कैसे आपको बिगिनर को हल्का सा यहाँ पर माइनस करें तो आपको यहाँ पर मिड पॉइंट को भी हल्का सा माइनस करना है और फेदर को 100 प्लस करना है एंड कैसे आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर आपको इसी ट्यूब ब्रेक लगाना है यहाँ पर आपको इसी टू ब्रेक करने में देखो क्या करना है यहाँ पर आपको शार्पनेस को हल्का सा यहाँ पर प्लस कर दें तो कैसे हमारी जो एडिटिंग पूरा हो चुकी है यहाँ पर देख सकते हो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है आई होप आपको बढ़िया अच्छी लगी बढ़िया अच्छी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कैसे नहीं उनको कॉन्सेप्ट का फोटो मिस ना रहे सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना मिले तो चलेगा मिलता है अगले वीडियो में।